आज दिलीप कुमार साहब अपनी वो फिल्में, अपनी वो बातें और यादें पीछे छोड़ गए हैं। आज दिलीप साहब हम सबको छोड़ गए हैं। आज दिलीप साहब का हर फैन सदमे में है। आज हर सितारा बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के जाने से गमगीन है। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो दिग्गज एक्ट्रेस देविका रानी ने उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया और इसी नाम से ये महान एक्टर बॉलीवुड का लेजेंडरी स्टार बनकर चमका। दिलीप कुमार जी ने अपने पूरे करियर में केवल 62 फिल्में की। दिलीप कुमार ने अपनी आखिरी फिल्म केवल 12 लाख रुपए में साइन की थी और पूरा अमाउंट उन्हें कैश में मिला था। हालांकि ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। वैसे दिलीप साहब जी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मीडिया पोर्टल सेलिब्रिटी नेटवर्क के मुताबिक दिलीप कुमार की नेटवर्थ तकरीबन 8.5 करोड़ डॉलर्स है। इसे रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 634.21 करोड़ रुपीस बैठती है। दिलीप साहब की इनकम का प्रमुख स्रोत एक्टिंग ही रहा। वो संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। दिलीप कुमार अपने जमाने के सर्वाधिक फीस लेने वाले एक्टर थे। 1950 के दौर में वो एक फिल्म के लिए करीब 1 लाख रुपए चार्ज करते थे, जो कि उस दौर में बहुत ज्यादा थी। अन्य सेलिब्रिटीज को जहां अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, तो वहीं दिलीप कुमार चमक धमक से दूर रहने वाले सिंपल लाइफ जीने वाले एक्टर थे। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार जी ने एक बार कहा था कि वो अपने कपड़े पाली नाका के एक दर्जी से सिलवाते हैं। वो दर्जी तब से उनके कपड़े सिल रहा है जब वो बांद्रा में रहा करते थे। जाहिर है कि आज दिलीप जी के जाने से बॉलीवुड का वो दौर भी चला गया जो अब तक इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी पूंजी थी। अपनी फिल्में, अपनी एक्टिंग, अपने किरदारों से दिलीप जी ने सबका दिल जीता। लेकिन उनके दिल पर राज किया एक्ट्रेस सायरा बानू ने, जिन्होंने दिलीप साहब का हर कदम पर साथ दिया और आखिरी दम तक दिया। ये सायरा जी के प्यार और साथ का ही नतीजा था कि दिलीप जी इतनी एज में भी हेल्दी थे। लेकिन जाहिर है कि पिछले 2 साल इंडस्ट्री के लिए बहुत मनहूस साबित हुए। बॉलीवुड के कितने नायाब हीरे हमसे दूर हो गए। लेकिन आज लंबी बीमारी से लड़ते हुए दिलीप जी हम सबको अलविदा कह गए।